little before you watch the video, please like, share or subscribe my channels, okay? Also click the bell notification icon for my next video update, okay? तो भाई लोग ये हो गया कि मार्जावा जो फिल्म है सिद्धार्थ की अपकमिंग, वो उसकी ट्रेलर रिलीज हो गया 3 मिनट की, और इस पे और भी काम कर रहे हैं रितेश देशमुख और आई थिंक अनन्या पांडे, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस फिल्म की जो ट्रेलर है, ट्रेलर की पहले आते हैं ट्रेलर पे, ट्रेलर की जो कटिंग हुई ना मुझे एवरेज लगी, बहुत अच्छी नहीं और बहुत कम भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, बहुत देर के बाद एक एक्शन अवतार में सिद्धार्थ को वापस देख रही हूँ, ये एक बहुत अच्छी ट्रीट है। तो उसके बाद आती है कि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कुछ खास है नहीं, जो तमिल फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी होती है कुछ वैसा ही, बट यहाँ पे कुछ शार्प और क्लियर है, यही है जो सिनेमेटोग्राफी में है। और बाकी सब जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कलर करेक्शन एंड ऑल ऑन एंड दैट ऑल, सब कुछ यही है। तो आती हूँ भाई लोग इसकी एक्टिंग में, तो सिद्धार्थ की एक्टिंग तो क्या कहे, इस ट्रेलर में कुछ बहुत अच्छे नहीं बोलूँगा, बट है कुछ अच्छा तो है। पर ये जो फिल्म है, ये फिल्म की भरपूर डायलॉग बाजी होगी, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग यहाँ पे हैं। तो लास्ट में एक डायलॉग होता है, मेरे हाथ मार खाएगा ना तो मर जाएगा, और दोबारा पैदा लेने से पहले ऐसे ही कुछ था, तो ऐसा कुछ था। तो ट्रेलर तो मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा, एवरेज लगा है, बट जो साउथ इंडियन फ्लेवर है इस फिल्म के अंदर, और सबसे अच्छी बात ये है कि रितेश देशमुख यहाँ पे बोने हैं, मतलब 3 फुट की है, तो एक 3 फुट के आदमी एक 6 फुट के आदमी के साथ लड़ाई करती है किसी की बेस पे, और वो दोनों ही गैंगस्टर होते हैं, लाभ होती है लाभ के बाद, बट वो समझ में नहीं आया क्यों सिद्धार्थ ने वो हीरोइन को मार दिया, गोली मार दिया। तो मुझे वही कुछ मलाल लगा है, ऐसा कैसे हो गया कि खुद की हीरोइन को मार रहा है। तो मुझे ट्रेलर बहुत अच्छी भी नहीं लगा, बहुत बुरा भी नहीं लगा, एवरेज लगा है, और ये चलेगा भी क्योंकि ये मास ऑडियंस के लिए बनाया गया हुआ है। ये अगर मल्टीप्लेक्स पे नहीं चले बट सिंगल स्क्रीन पे बहुत चलेगी, तो ये तो इसकी अपनी बजट रिकवर कर ही लेगी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। बट आई थिंक फॉर 2019 आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मेक दिस फिल्म, दिस काइंड ऑफ फिल्म हम लोग 2015, 16, 17 इस 20 की जो फिल्म होती है उसी की तरह की, अगर ये फिल्म तब रिलीज पाती तो आई थिंक बहुत अच्छी कमाती, बहुत अच्छी नाम करती, बट राइट नाउ लोगों की देखने की क्या बोलते हैं, देखने की सब कुछ देखने की एक मूवी को परखना देखना और एंटरटेनमेंट लेने की जो सोच वो अलग हो चुकी है, तो इंसान उस चीज़ के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं जो चीज़ में आप लोग रियलिटी के सामने पाओ। जैसे देखो ना आर्टिकल 15, वो भी एक 100 करोड़ कमा चुकी है, ड्रीम गर्ल, अंधाधुन, ऐसे फिल्मों में तो इतना सारा एक्शन वैक्शन कुछ नहीं है, पर है जो है। तो ये इस फिल्म की डायलॉग बहुत अच्छी है, तो यही तो मुझे अच्छा लगा और आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे। और यहाँ तक जो लोग आके देख चुके हो मेरे वीडियो को, वो लोग प्लीज़ लाइक कर देना, अदरवाइज प्लीज लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट करके जानना कैसा लगा मेरा ये रिव्यू। और तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, खुश रहो, जिंदा रहो, खाते पीते रहो।